पूरे देश में लॉकडाउन के चलते हजारों लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं और घर वापसी के लिए केंद्र व राज्य सरकारों से अनुमति प्रदान करने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके एक व्यक्ति पंजाब से अपनी गाड़ी पर चलकर पंडोह पहुंच गया। रास्ते में नाके पर खड़ी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वे पंडोह पहुंचा है। ये व्यक्ति बीबीएमबी कॉलोनी में कई दिनों से खाली पड़े एक क्वार्टर के ताला तोड़कर अंदर घुस गया था और यहाँ पर अपना डेरा जमाए हुए था। बीबीएमबी प्रबंधन को जब इसकी भनक लगी तो बीबीएमबी प्रबंधन हरकत में आया। प्रबंधन के अधिशासी अभियंता राजेश हांडा ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब इस व्यक्ति से पूछताछ की तो पता चला कि ये व्यक्ति करीब 10 साल पहले बीबीएमबी पंडोह से सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत था और इस मकान में रहता था। इसमें इस व्यक्ति ने पंजाब से आकर कब्जा जमा लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की पुष्टि पंडोह पुलिस के हवलदार के पद पर तैनात भानु प्रताप ने की। सर, आज हमें पुलिस चौकी में एक कंप्लेंट आई थी कि यहाँ के जो जेई साहब है बीबीएमबी के, उनकी तरफ से कंप्लेंट आई थी कि यहाँ पर कोई मेहर सिंह है जो यहाँ से 2010 में रिटायर्ड हो चुके थे, बीबीएमबी से रिटायर्ड हुए या टर्मिनेट हुए थे ऐसे बता रहे थे कुछ, तो भाई वो यहाँ पर आए हैं, पिछले कल ही यहाँ रात को आए हैं ऐसे बता रहे थे। फिर हम यहाँ सवेरे जब हमें 1:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली तो हम यहाँ पर आए, तो हमने इनसे पता किया तो इन्होंने बताया हमें कि मैं ये जो है पंजाब के रहने वाले हैं और यहाँ पर जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ इन्होंने रात बिताई है और आज हमने इनसे पता किया तो इन्होंने बताया कि मैं मेरी पूरा एक जहाँ भी मुझे नाके में मतलब पुलिस ने जहाँ भी बैरियर पे इनको मुझे रोका गया, इन्होंने बताया कि मैं ऐसा बीबीएमबी से हूँ और मेरी एक मेरे मतलब रिटायर्ड हूँ और एक महीने की सैलरी पे बैलेंस है मेरी यहाँ बीबीएमबी है, उस सिलसिले में मैं यहाँ बीबीएमबी पंडोह जा रहा हूँ, इस सिलसिले में ये यहाँ यहाँ पहुँचे हैं। तो बाकी इनसे जब कन्फर्म यहाँ पर पता किया गया तो इनको वापस भेजने के लिए आगे कार्रवाई की जाए।